Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly, and you must be aware that we just completed discussion about monuments of India. We have already discussed the states, 28 states of India, and after that we discussed मेनी ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. हमने बहुत सारे जो इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको हमने ब्रीफली ही डिस्कस किया, लेकिन बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को हमने डिस्कस किया. अब हम आज स्टार्ट करेंगे यूनियन टेरिटरीज की. जो इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, बहुत ब्रीफली ही डिस्कस करेंगे आपके लेवल ग्रेड को देखते हुए. आप ग्रेड 2 में है, उस हिसाब से ही करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला जो यूनियन टेरिटरी है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हम पहले डिस्कस करेंगे. चिल्ड्रन, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूं, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. उन यूनियन टेरिटरीज में से नंबर 1, जो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम चले तो सबसे पहला नंबर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का. अंडमान एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. चिल्ड्रन, ये अब जब हम बोल रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिस द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड. जब हम बोल रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसका मतलब है कि इसमें दो ग्रुप्स हैं. देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स. ओके, इट कंटेन्स, लेट मी टेल यू द कैपिटल ऑल्सो. कैपिटल क्या है इसका पहले बता लो. कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज पोर्ट ब्लेयर. कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर and it contains matlab andaman nikobar island it contains two groups of islands. I have already told you meaning of island. Island का मतलब क्या होता है? Children, island is a land which is surrounded by water from all the sides. Okay? Island means that land which is surrounded by water from all the sides. Andaman Nicobar Islands are two groups of islands. First is Andaman Islands and second is निकोबार आइलैंड्स. अंडमान आइलैंड्स एंड सेकेंड वन इज निकोबार आइलैंड्स. ओके, अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स. एंड टोटल यहां पर 572 आइलैंड्स हैं. कितने आइलैंड्स हैं टोटल? ये दोनों आइलैंड्स मिलाकर 572 आइलैंड्स हैं. इसमें से 572 आइलैंड्स में से 38 आइलैंड्स ऐसे हैं विच आर सेटल्ड, मतलब वहां पर लोग रहते हैं, प्रॉपरली लोग रहते हैं. ठीक है, तो 38 आइलैंड्स आर सेटल्ड. 38
13 आइलैंड्स ऐसे हैं जो सेटल्ड है, जहां पे लोग रहते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू ओनली 38 आइलैंड्स आर सेटल्ड आइलैंड्स. दैट मीन्स ऑन रेस्ट ऑफ द आइलैंड इधर पीपल मे नॉट बी लिविंग और ट्राइब्स रहते होंगे या कोई नहीं रहता होगा. इतना पता है कि 38 आइलैंड्स ऐसे हैं जिस पर कि लोग रहते हैं. और अंडमान का जो स्टेट एनिमल क्या है, हमने जब हम स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ना कि हर स्टेट का स्टेट एनिमल होता है. तो स्टेट एनिमल है सी काउ इज द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान. स्टेट बर्ड है वुड पिजन. स्टेट एनिमल सी काउ. स्टेट बर्ड इज वुड पिजन. एंड स्टेट ट्री है पडॉक. PAGARK. इट इज कॉल्ड पडॉक. पडॉक इज द स्टेट ट्री ऑफ अंडमान. अंडमान फेमस है सेलुलर, फेमस नहीं बोल सकते, मतलब अंडमान में सेलुलर जेल है. जब हम मॉन्यूमेंट्स में आपको पढ़ा रही थी, जब मैं लिस्ट बता रही थी, तो उसमें मैंने सेलुलर जेल मेंशन किया था. सेलुलर जेल क्या है? जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे ब्रिटिश टाइम में, जब हमारा कंट्री फ्री नहीं हुआ था, व्हेन इट वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, फ्री नहीं हुआ था, तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो देश को आजाद कराने के लिए फाइट कर रहे थे, उनको अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग सेलुलर जेल में बंद कर देते थे. सेलुलर जेल में क्या खास था? इसको काला पानी बोला जाता था. काला पानी क्यों बोला जाता था? जो अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि ये आइलैंड है. आइलैंड मतलब एक ऐसा लैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है. तो ये एक ऐसी जगह थी जो दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ थी. मतलब यहाँ के जेल जो थे, अंधेरे अंधेरे कमरे हुआ करते थे, और एक बार इस जेल में आने के बाद पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते थे. एक बर्ड भी देखने को नहीं मिलती थी, अंदर कमरे में बंद कर देते थे. तो ये सबसे टॉर्चर वाला जेल हुआ करता था. मतलब आप सबसे कट के एक अंधेरे कमरे में आपको अगर कोई बंद कर दे तो कैसा लगेगा? बाहर कोई नहीं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, डार्क वाटर है सब तरफ, और किसी की आवाज नहीं, बर्ड नहीं, एनिमल नहीं, कुछ नहीं, बस एक अंधेरा कमरा. तो ऐसी पनिशमेंट देते थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिश लोग. तो ये जो है सेलुलर जेल, ये अंडमान निकोबार में था. इसे हिंदी में काला पानी बोला जाता था. सेलुलर जेल ये यहीं पर है. मैं इसको इरेज कर देती हूँ जो मैंने लिखा है उसके. सेलुलर जेल इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सेलुलर जेल तो है यहां पर, लेकिन नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस. यस, अंडमान निकोबार इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस नाउ डेज. पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑफकोर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया
they go to they visit Andaman Nicobar during their holidays. They spend their holidays there, and it is a beautiful natural place to spend. ये बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर आइलैंड है. सब तरफ पानी है, ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, ट्रीज है, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. बहुत ही सुंदर एक नेचुरल प्लेस है छुट्टियां बिताने के लिए, और ये एक बहुत ही आज के डेज में ये बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है. अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया. और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट भी है. अब आप सोचो ये इंदिरा पॉइंट क्या है. इंदिरा पॉइंट जो लैंड लास्ट लैंड है इंडिया का, मतलब इसके बाद से जमीन खत्म हो जाती है. अजीब लग रहा है. यस, लैंड खत्म हो जाता है इंडिया. यहां का ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है, मतलब इंदिरा पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. इंडिया का जो लैंड है, इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो इंडिया का जो लैंड है उसका सबसे लास्ट जो पार्ट है वो इंदिरा पॉइंट है. इसके बाद से सिर्फ पानी ही पानी है. नीचे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन तो है ही है, और मतलब इसके बाद से लैंड खत्म हो जाता है. कोई जमीन नहीं है, पानी पानी है, और इंडिया का ये लास्ट लैंड पॉइंट है. इंडिया का लास्ट लैंड पॉइंट मतलब ये इसके बाद इंडिया नहीं है, ये लास्ट है इंदिरा पॉइंट. ठीक है, तो ये भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ही है. इंडिया का जो लैंड एरिया है उसका ये लास्ट पॉइंट है, और इसके बाद पूरा वाटर ही वाटर है. पहले ये माना जाता था कि कन्याकुमारी जो है वो इंडिया का लास्ट पॉइंट है, लेकिन एक्चुअली में फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, इंदिरा पॉइंट जो है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, वो इंडिया का लास्ट लैंड एरिया है. इसके बाद फिर वाटर एरिया है, इंडियन ओशन है. ठीक है, चलिए यहां पर आपको सैंडस्टोन, लाइमस्टोन्स ये ज्यादा आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड में. सैंडस्टोन्स और लाइमस्टोन्स है, लाइमस्टोन्स है. और यहां पर एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं बैरन आइलैंड. वोल्केनो के बारे में आपने सुना होगा, वोल्केनो ज्वालामुखी जो होता है ना, माउंटेन के अंदर से लावा निकलता है. तो इंडिया का सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, और वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, दैट इज बैरन आइलैंड. ये बैरन आइलैंड पर जो वोल्केनो है वो इंडिया का एकमात्र इकलौता एक्टिव वोल्केनो है. ठीक है, बैरन आइलैंड पे जो वोल्केनो है वो इंडिया का सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है. चलिए, तो आपने अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में जाना. अब दूसरे यूनियन टेरिटरी पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी क्या है. नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़. चंडीगढ़ ये भी एक यूनियन टेरिटरी है. चंडीगढ़ का कैपिटल भी चंडीगढ़ है. ठीक है, चंडीगढ़ का कैपिटल भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ टू स्टेट्स का भी कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा. चंडीगढ़ एस is the capital of two states. Punjab and Haryana. Okay? कैपिटल ऑफ चंडीगढ़ इज चंडीगढ़, एंड चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ टू स्टेट्स, पंजाब एंड हरियाणा.
अच्छा, चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ क्यों है? यहाँ पर एक टेंपल है, उसको चंडी मंदिर बोलते हैं। चंडी मंदिर नाम का यहाँ पर एक टेंपल है, CHANDI मंदिर, MANDIR, चंडी मंदिर के नाम पर ही चंडीगढ़ का नाम रखा गया है, चंडीगढ़। ठीक है, और ये इंडिया का सबसे पहला प्लान्ड सिटी है। इट इज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी, द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। चंडीगढ़ इज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। प्लान मतलब इसको प्लान करके बनाया गया है। चंडीगढ़ को सेक्टर्स में बांटा गया है, सेक्टर वन, सेक्टर टू, ऐसे करके सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर में ऑफ कोर्स रहने की घर है, घर के डिजाइन कैसे होंगे वो भी प्लान किया गया है। हर सेक्टर में स्कूल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, पार्क है। सेक्टर वाइज क्योंकि डेवलपमेंट है इतना, तो यहाँ पर हर सेक्टर में आपको पार्क भी मिलेगा, स्कूल भी मिलेगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा। तो ये इंडिया का पहला प्लान्ड सिटी है। ठीक है, अच्छा, और चंडीगढ़ के बारे में ये बता देते हैं कि यहाँ पर घूमने वाली जगह कौन सी है, टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, टूरिस्ट प्लेस क्या है यहाँ का। टूरिस्ट अट्रैक्शन या टूरिस्ट प्लेस यहाँ का क्या है? सबसे पहला तो है रॉक गार्डन। क्या है? रॉक गार्डन। रॉक गार्डन ये चंडीगढ़ में है। तो क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है, तो हम इसे पंजाब का भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन मानते हैं, हरियाणा का भी टूरिस्ट अट्रैक्शन मानते हैं, चंडीगढ़ का तो ये है ही। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर क्या है? इसके अलावा यहाँ पर रोज गार्डन है घूमने के लिए, जहां पे ऑलमोस्ट सारे कलर के रोजेज हैं। जो रोज गार्डन है यहाँ का, उसमें सब रंग के, सारे कलर्स के रोजेज हैं। फिर यहाँ पर फेमस है एक सुकना लेक, SUKNA, सुकना लेक। सुकना लेक है यहाँ पर, लोग घूमने आते हैं सुकना लेक में। और फिर है यहाँ पर एक ओपन हैंड मॉन्यूमेंट है, ऐसे हाथ जैसा बना हुआ है, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट। ओपन हैंड मॉन्यूमेंट वो भी यहाँ का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। चंडी देवी मंदिर तो है ही है, चंडी मंदिर, जिसके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है चंडीगढ़। उसके बाद यहाँ पे एक कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक टाइम था जब बच्चे ना चंडीगढ़ पढ़ने जाया करते थे, आजकल तो कोटा राजस्थान में लोग ज्यादा जाते हैं। तो अभी जो है एक लोग स्टेटस सिंबल मानते थे कि चंडीगढ़ पढ़ने जा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। बहुत ही एडवांस, बहुत ही डेवलप्ड सिटी है ये। लैंग्वेज यहाँ पे कौन सी बोली जाती है, ये आपने देख लिया। कैपिटल है टू स्टेट्स का, पंजाब और हरियाणा का। चंडी मंदिर के नाम पर इसका नाम है चंडीगढ़। ये इंडिया का पहला प्लान्ड सिटी है। टूरिस्ट प्लेसेस मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज,
यहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, चंडीगढ़ के लोग ज्यादातर पंजाबी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। चंडीगढ़ के लोग पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। यहां का स्टेट एनिमल क्या है? स्टेट एनिमल क्या है यहां का? यहां का स्टेट एनिमल है इंडियन ग्रे मोंगूस। इंडियन ग्रे मोंगूस, जिसे हम हिंदी में नेवला भी बोलते हैं, ठीक है। इंडियन ग्रे मोंगूस जिसे नेवला भी कहते हैं, ठीक है। और स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड क्या है? इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। फ्लावर क्या है? स्टेट फ्लावर धाक जिसको बोलते हैं या पलाश बोलते हैं, PALASH, हम उसको पलाश के नाम से या ढाक के नाम से जानते हैं, तो वो वहां का स्टेट फ्लावर है, ठीक है। और स्टेट ट्री है मैंगो। स्टेट ट्री इज मैंगो। फेस्टिवल की बात करते हैं, फेस्टिवल में होली, दिवाली, दशहरा ये तो मनाते ही है, सारा इंडिया मनाता है, पर वहां का जो फेस्टिवल है, एक तो बैसाखी, लोहड़ी, बैसाखी लोहड़ी है, बैसाखी है जो कॉमनली पंजाबी लोग जो मनाते हैं, लोहड़ी और बैसाखी। इसके अलावा यहाँ पे एक फेस्टिवल ऑफ गार्डन भी होता है, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ गार्डन, यहां पर एक फेस्टिवल ऑफ गार्डन होता है। उसके अलावा एक चंडीगढ़ कार्निवाल भी निकलता है यहाँ पे, चंडीगढ़ कार्निवाल यहां लिख देते हैं, कार्निवल बोलते हैं चंडीगढ़ कार्निवल। और यहां का फेस्टिवल है, एक तो हो गया, एक मैंगो फेस्टिवल भी होता है यहां पर, मैंगो फेस्टिवल बोलते हैं उसको। लैंग्वेज हो गया पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश। स्टेट एनिमल है इंडियन ग्रे मोंगूस। स्टेट बर्ड है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। स्टेट फ्लावर ढाक, जिसको कि हम हिंदी में पलाश बोलते हैं, रेड कलर का होता है, ये ट्री में लगता है, प्लांट इसका छोटा पौधा नहीं होता, इसका पेड़ होता है और उसमें बड़े बड़े फूल लगते हैं, रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, इनको हिंदी में हम पलाश बोलते हैं। पलाश का पूरा पूरा जंगल होता है एक्चुअली में, जंगल में पलाश के पेड़ होते हैं और
जब पलाश के जंगल जो होते हैं उसमें अगर सब में एक साथ जब फूल खिलते हैं तो पूरा जंगल ना रेड कलर का नजर आता है और ऐसा लगता है मानो जंगल में आग लग गई है। पूरा जंगल जो है वो रेड 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 दिखता है क्योंकि रेड कलर के ये फूल होते हैं, रेड कलर्स के ये फ्लावर्स होते हैं। और स्टेट ट्री हो गया मैंगो फेस्टिवल, मैंने आपको बताया जो भी पंजाबी लोग फेस्टिवल मनाते हैं वो इनके भी वो चंडीगढ़ में भी वही फेस्टिवल बेसिकली मनाए जाते हैं, जैसे कि लोहड़ी और बैसाखी जो सबसे मेन फेस्टिवल्स हैं। उसके अलावा जो चंडीगढ़ में स्पेशली चंडीगढ़ में जो मनाया जाता है उसमें चंडीगढ़ कार्निवल है, फिर एक फेस्टिवल ऑफ गार्डन है और एक मैंगो फेस्टिवल है। ड्रेस जब जैसा कि मैंने आपको जब मैं आपके साथ स्टेट्स को डिस्कस कर रही थी, अलग अलग स्टेट्स को डिस्कस कर रही थी, तो मैंने आपसे बताया था कि जब हम ड्रेस बोलते हैं तो ड्रेस का मतलब होता है ट्रेडिशनल ड्रेस, किसी भी जगह का ट्रेडिशनल ड्रेस, क्योंकि मॉडर्न ड्रेस तो सभी पहनते हैं, जो भी कॉमनली वेस्टर्न ड्रेस आउटफिट्स है वो हर स्टेट में पहना जाता है और या कोई यूनियन टेरिटरी ही हो हर सिटी वगैरह में जो कॉमनली जो ड्रेसेस होती हैं लेडीज की या जेंट्स की वो सब लोग पहनते हैं। लेकिन जब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ड्रेस को डिस्कस करते हैं तो वहां की पर्टिकुलरली हम ट्रेडिशनल ड्रेस की बात करते हैं, वहां की जो पारंपरिक जिसको बोलते हैं पोशाक उसकी बात हम करते हैं। तो पंजाब जो से क्योंकि इसका ज्यादा क्लोज कनेक्शन है चंडीगढ़ का, तो यहां पर बेसिकली लेडीज जो है वो क्या पहनती है, सलवार कमीज। मैं इसको एकदम थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। लेडीज का क्या ड्रेस है, सलवार कुर्ता। और जो मेल जो ड्रेस पहनते हैं जो जेंट्स पहनते हैं वो क्या है, कुर्ता पैजामा या लुंगी। और जैसे आपको पता ही है कि जो पंजाबी लोग होते हैं जो सरदार जो लोग होते हैं सिख जिसको बोलते हैं, सिख लोग सर पे पगड़ी बांधते हैं, टर्बन जिसको आप कहते हो ना, वो टर्बन वो माथे पे पगड़ी बांधते हैं जिसे हम टर्बन कहते हैं। तो जो सिख लोग होंगे वो लोग टर्बन पहनते हैं और चंडीगढ़ में भी जो सिख लोग हैं वो टर्बन पहनते हैं, पर बेसिकली कुर्ता पैजामा या लुंगी वहां का ड्रेस है। अब फूड की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये एक प्लांट सिटी है, बहुत ही एडवांस्ड डेवलप्ड सिटी है, खाने पीने की यहाँ पर सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन फेमस क्या है चंडीगढ़ में, सब कुछ मिलता है लेकिन हम ट्रेडिशनल, जब हम खाने की बात करते हैं तो अगेन हम ट्रेडिशनल फूड की बात करते हैं। तो छोले कुलचे या भटूरे जिसको बोलते हैं, छोले भटूरे जो है वो पंजाबी फेमस पंजाबी डिश है छोले भटूरे, तो चंडीगढ़ में उसको खाया जाता है। उसके बाद राजमा चावल,
छोले कुलचे, छोले भटूरे, राजमा चावल और अगेन मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, मतलब मक्की दी रोटी मतलब मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये भी यहाँ पर खाया जाता है। छोले भटूरे, राजमा चावल और मक्की की रोटी और सरसों का साग, ये फेमस डिश है। ये पंजाब और हरियाणा दोनों से क्योंकि रिलेटेड है तो ये यहाँ का स्टेपल फूड है। तो हमने डिस्कस किया चंडीगढ़ को, हमने डिस्कस किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, दो हमने आज यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस किया। अब बाकी के जो बचे हुए 6 यूनियन टेरिटरीज हैं उसको भी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी अदर डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन क्लियर दैट डाउट। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।